जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, काफी सारी अपडेट है सीसीएस यूनिवर्सिटी की और आप लोगों के भी काफी सारे क्वेश्चन हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं, तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो बात करते हैं सबसे पहले जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, सबसे पहले जो बच्चे परेशान हैं कि सर, जो हमारे 11 तारीख का एग्जाम है, क्या वो 11 तारीख को होगा या वो आगे बढ़ेगा, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो 11 तारीख का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। तो साथियों, अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, यानी कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। हो सकता है चेंज हो और हो सकता है ना हो, हो सकता है इस पर आज डिसीजन आ जाए। जैसे ही डिसीजन आएगा तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, तो आप परेशान मत होइएगा। इससे आगे बात करें, बच्चे अपने पीजी के रजिस्ट्रेशन को लेकर चिंतित हैं कि पीजी के रजिस्ट्रेशन कब से होंगे। तो साथियों, पीजी के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। आज से आप पीजी कोर्सेज के एडमिशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ के साथ एलएलबी 3 ईयर के लिए भी आप आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें वो बच्चे भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो बच्चे इस बार फाइनल ईयर में हैं, जिनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लियर है और फाइनल ईयर के इस बार उन्होंने एग्जाम दिए हैं, तो वो बच्चे भी अपना पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं सर, यूजी की पहली मेरिट लिस्ट कब आएगी, यानी कि मेरिट कब से लगेगी। तो साथियों, जो यूजी की पहली मेरिट आएगी वो आपको लगभग 20 अगस्त के आसपास में आने वाली है। अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन कर लें। इससे आगे जो आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका आपका परिणाम आ चुका है कि अब उसकी काउंसलिंग कब होगी। तो साथियों, अभी काउंसलिंग में टाइम लगने वाला है, क्योंकि जब तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक काउंसलिंग पॉसिबल नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी आपका जो बीएड की काउंसलिंग है वो थोड़ा सा डिले होगी। साथ के साथ बच्चे जो अपने फाइनल ईयर के रिजल्ट को पूछ रहे हैं, सर हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट कब तक आएगा, तो फाइनल ईयर के रिजल्ट में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ कॉलेजों के प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स नहीं गए हैं, तो उस कारण से अभी रिजल्ट में टाइम लग रहा है। चाहे वो आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, फाइनल ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो, तो आपका रिजल्ट मान के चलिएगा 20 अगस्त के बाद में ही आपका रिजल्ट क्लियर किया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी आपको कोई क्वेश्चन रह गया है या आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।